सबके बस की बात नहीं, फर्श पे रह कर अर्श पे जाना सबके बस की बात नहीं, जाके खुदा को देख के आना सबके बस की बात नहीं, जाके खुदा को देख के आना सबके डूबे सूरज को पलटना सबके बस की बात नहीं, डूबे सूरज को पलटना सबके बस की बात नहीं, जानी मुबारक को खतरे में डाल के इश्क़े अहमद में, सांप के बिल में एड़ी रखना सबके बस की बात नहीं। हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर के बिल में एड़ी रखना सबके बस की बात नहीं, मेरा याद है साबिर बोले सबसे बाबा फैला सबके बस की बात नहीं, फर्श पे रह कर अर्श पे जाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू। आज के मेहमान हैं प्यारी, थैंक यू मैडम, प्लीज लुक टू मी आल्सो। जनाब अब्दुल्ला साहब, जनाब साजिद सलीम साहब को गुलबोशी का इस्तकबाल करें। शुक्रिया अवयाज अहमद साहब, आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद रफीक अंसारी साहब, आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि जनाब सुदाउद्दीन साहब, अजीज दिलदार सिलानी साहब, जनाब लियाकत हुसैन अंसारी साहब, जनाब भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। 1 जनवरी 2023 और मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की टीम इस वक्त कोटा के अंदर आई हुई है और कोटा के अंदर PAS गार्डन है यहाँ पर, तो PAS गार्डन के अंदर हमारी टीम मौजूद है। आज यहाँ पर बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और वो प्रोग्राम ये हुआ है कि अंसारी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से होनहार बच्चों को और नई प्रतिभाओं को मौका दिया गया है। तो मेरे 8-10 वीडियो बन गए हैं, अब मैं आपको हमारे इन हजरत से मुखातिब करता हूं। ये देखिए, अभी तो मैं सिर्फ आपको आपको दिखा रहा हूं, आपको दीदार करवा रहा हूं। ये देखिए, ये है हमारे हजरत और ये है हमारे रेस्पेक्टेड और ये है हमारे बूंदी के पड़ोसी रफीक PTI साहब। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं हजरत के सामने मुखातिब होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हमारे हमारे चैनल के दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मुझे
मुझे रिजवानुद्दीन अंसारी कहते हैं जी। मैं अंसारी वेलफेयर सोसाइटी में एक सरपरस्त की हैसियत से काम कर रहा हूँ और अंसारी दर्पण पिछले 5 साल से। तो आज आपने ये जो प्रोग्राम किया है तो इस प्रोग्राम को करने में आपने कितनी एनर्जी और कितने दिन से कोशिश करी मेरे भाई? 3 महीने से जो है हम इसमें बराबर मसरूफ है और आज अल्लाह का शुक्र है कि। क्या कहना चाहते हो, व्हाट इज योर पॉजिटिव मैसेज? मेरा पॉजिटिव मैसेज ये है कि फिर भी हमारी कौम अभी तालीम के मैदान में बहुत पीछे है जी। हम चाहते हैं कि मतलब जो है और तरक्की करे और स्टूडेंट जो है टॉपर आए तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा है, मैं भी आपके प्रोग्राम के अंदर आज पहली बार आया हूँ एंड आई एम हैप्पी। और कुछ कहना है आपको? हाँ बिल्कुल, ये कहना है। फरमाइए। पिछले 16 साल से हमारी अंसारी वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है और लगातार मतलब हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है और 15 साल से ही हमारी ये किताब जो है छप रही है। तो ये किताब को देखे दिखाइए हमें। और ये किताब जो है अब खाली कोटा ही नहीं, राजस्थान नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल तौर पर इसका जो है वो प्रचार प्रसार हो चुका है। अभी अमेरिका में और यूएई में, दुबई में इसकी बहुत मांग थी, कुछ किताबें हमने भेजी और अहमदाबाद और यूपी में भी इसकी बहुत मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम अल्फाजों के अंदर बड़ी बेहतर बात कह दी है। YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आता हूँ इन हजरत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या इसमें शरीफ है? गुफरान अहमद कादरी। आज इस बेहतरीन प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है आपका? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहा और बच्चों को जिस तरीके से नवाजा गया है तो यकीनन दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि बच्चों को हौसला मिलेगा कि हमें भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आगे आगे और क्या बेहतर काम करेंगे इंशाल्लाह। आगे बच्चों की तालीम के लिए और सेहत के लिए भी इंशाल्लाह कमेटी काम करती रहेगी। सभी लोगों ने कहा है कि अंसारी कौम को एक लीडरशिप करना चाहिए, तो आर यू सेटिस्फाई? आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी के हालात से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी के हालात से नहीं है नहीं। तो आप और बेहतर काम करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे पड़ोसी हैं, रफीक साहब। आपको आप जल्दी से 15-20 सेकंड के अंदर आपके अल्फाज बता दीजिए कि आपको क्या कहना है हमारे हजारों भाइयों बहनों से। हमारी सोसाइटी अंसारी वेलफेयर सोसाइटी की, इसके हमारे बुजुर्ग रिजवान साहब, अध्यापक हाजी साहब, ये इनका बहुत अच्छा वर्क रहा है और आम जनता को इससे जोड़ना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? निदा अहमद जी, आप कौन सी क्लास पढ़ती हैं, क्या कर रही हैं आप? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो आपको ये आपके वालदेन ने सजेशन दिया है? जी हाँ। तो क्या कौम की आगे जाकर क्या खिदमत करोगी आप? मैं चाहती हूँ कि अपनी जो सिटी है काफी डेवलपमेंट करे, काफी मतलब अपनी एजुकेशन में भी आगे रहे। ओके, सिटी एजुकेशन में आगे रहे, कौम एजुकेशन में आगे रहे। बहुत 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 शुक्रिया बेटा, कम शब्दों में, कम लफ्जों में आपने अच्छा जवाब दे दिया है। और देखिए, ये सभी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, जो आज पीएस गार्डन के अंदर ये यहाँ पर खाने का बफर डिनर का मजा ले रही हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं इनको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरे के पूरे हजरात हैं। अस्सलाम वालेकुम।